अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक. आप देख रहे हैं नो रिजर्वेशंस और अब वक्त आया है कि हम आज शाम के पहले मेहमान से मुलाकात करें. ये एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा दूसरों को हंसाते हैं, उनके शोज बेहद कामयाब जाते हैं. नाम उन्होंने अपना कमाया है और नाम है उनका साद हारून. अस्सलामुअलैकुम साद. वालेकुम सलाम आयशा, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू. साद, मुझे बताएं कि आप कॉमेडियन क्यों बने? Why did I become a comedian? और बने ही आप हमेशा से थे. हाँ, नहीं नहीं, मैं बन गया था कॉमेडियन. I don't think I was kind of the person who was a class clown or anything before. I think at one point in time I decided that I think comedy is a great art form and I think it's a great way to communicate a message. So इसलिए मैंने कहा था कि चलो कॉमेडी लेके मैं चलता हूँ. And when you say that, जब आप उर्दू में कहते हैं ना कि आप कॉमेडी करते हैं, it has a different connotation कि आप इंग्लिश में कहते हैं I'm a comedian. क्योंकि अभी तक हमारे वो मीडिया इंडस्ट्री इतना डेवलप हुआ ही नहीं है. Right. You can say that, okay, fine, this is something that is an art form. And so for that reason, I think me and Danish and a lot of other people decided that we can do comedy, हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, we can make it something which is established. लेकिन आपके ख्याल में मीडिया इंडस्ट्री इस तरफ क्यों नहीं डेवलप हुआ? क्योंकि we're a young country. अभी कितने 60 साल हुए हैं, not even के हमारे 63 years हुए हैं. And so in this day, in for a country that young, जब जैसे और media कब develop हुआ है, वो there was PTV for a long time, उसके बाद the channels came in. यानी कि वक्त लगेगा. हाँ, वक्त लगेगा. कितने 10 साल हुए हैं, that's it, that's nothing. आपको कितना time लगा है? क्योंकि stand up comedy भी पाकिस्तान में as such वो culture नहीं था. नहीं था, मतलब शायद उमर शरीफ थे, there were few, मतलब चुने लोग थे, और अंग्रेजी में करना तो मतलब लोगों ने सुना ही नहीं था कि आप अंग्रेजी में स्टैंड अप कॉमेडी करें. लेकिन आपने वो ट्रेंड शुरू कराया और माशाल्लाह मकबूल हुआ लोगों में. जी, क्योंकि काफी लोग पाकिस्तान में इंग्लिश अंग्रेजी बोलते हैं. हाँ, तो इसलिए मार्केट है, मतलब माने ना माने लोग बोलते हैं. यूनिवर्सल लैंग्वेज, क्यों ना बोले? जी एग्जैक्टली. एंड 170 मिलियन लोगों के वो मुल्क में, हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश? इज प्रॉब्ली इफ नॉट इन द मिलियंस, एटलीस्ट अ मिलियन पीपल, you know, speak it. That's what I think. I mean, other people might disagree. जी. But and so there's a market for it. Or maybe just if you look at the population of Denmark is 600,000-700,000 people. The population of Dubai is that much. So you have pretty much a country within a country. So you aim to. Okay, आपसे एक और सवाल, काफी सवाल आते हैं, लेकिन एक सवाल जो मतलब हमें बड़ी interesting लगी कि आपके जो मतलब स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट तो खैर होता नहीं है, लॉट ऑफ इट इज थॉट आउट बिफोर, पहले सोचते हैं फिर इम्प्रोवाइज किया जाता है, व्हाटएवर. लेकिन आप उस मौजू पे काफी बात करते हैं जहाँ मतलब ऑफ कोर्स आपके बर्गर लॉट है, इलीट है और फिर बाकी अवाम है, और उन दोनों में जो डिफरेंसेस हैं. लेकिन येट आप अवामी कॉमेडी नहीं करते हैं. जी, मतलब आपका कॉमेडी बेसिकली एलीट लोगों के लिए. जी, एलीट लोगों, जी आप ये कह सकते हैं कि एलीट लोगों के लिए है. बट हाँ, मैं कहता हूँ कि ये नीश मार्केट के लिए है. द पीपल आई प्रिस्क्राइब टू, द पीपल हु वॉच आवर कॉमेडी, दे डिजर्व कॉमेडी एज वेल. व्हाई शुड दे बी लेफ्ट आउट? व्हाई शुड दे नॉट गेट एंटरटेनमेंट? और फिर भी जो इधर के पाकिस्तानी लोग हैं, दे स्पीक इंग्लिश, दे टॉक इंग्लिश, दे गो टू इंग्लिश स्कूल्स ओवर हियर. फिर आप कहेंगे कि आप जाके अमेरिकन चैनल देखें, आप जाके ऑस्ट्रेलियन चैनल देखें इंग्लिश content ke liye nahi, where we're English speaking people in Pakistan, we should make English Pakistani content angrezi bolne walon ke liye kyun na ho. Ji bilkul, ji bilkul, exactly. Kyunki wo hamare desi log, we have our own cultures, connotations to things which are said in English, jo ek Pakistan ka ek culture bhi ban chuka hai. It is a part of our culture as well, whether we like it, don't like it, whether we like it, don't like it. Wo British jo aaye the 1947 mein, chale gaye the English ab hum hain, kya kare ho. Acha, theek hai, sahi hai. Having said that, जो elite लोग हैं, अमूमन उन्हीं लोगों के बारे में आप मजाक करते हैं. जी बिल्कुल. उन्हीं की आप बेइज्जती करते हैं. जी बिल्कुल. क्योंकि वो थोड़े से अपटाइट है ना. जी बिल्कुल. वो थोड़े से अपटाइट है ना. अच्छा. जो हमारे जो एलीट लोग हैं. हाँ जी बिल्कुल. वो हाँ. थोड़े से वो, क्योंकि आई लव टू से दिस, इन पाकिस्तान वी हैव नो इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव नो वाटर, वी हैव नो डेमोक्रेसी. द ओनली थिंग वी हैव इज आवर ईगो, एंड वी होल्ड ऑन टू इट फॉर डियर लाइफ, यू नो. एंड सो दैट्स व्हाई आई लाइक टू टेल पीपल दैट इट्स ओके टू काइंड ऑफ लेट गो, इट्स ओके टू लाफ एट योरसेल्फ. थोड़े आप अपने ऊपर हंसे. आपके ख्याल में कि क्या एज अ नेशन हमें जरूरत है कि हम सीखें अपने आप पे हंसना, अपने आप को इतना सीरियसली ना लें? खुदा को. जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली. क्योंकि वो इफ यू टेक योरसेल्फ सो सीरियसली,
you're just going to get depressed, you know, and this depression will overcome your life. Haan. When you say, chalo, theek hai, ye hua hai, wo hua hai, but Haan. We have to keep living. Haan. We have to keep going on. Hmm. Chalo, theek hai, yo hai, take it with a bit of laughter and keep going. Aur hansi, matlab, jitna bhi aapka, aap pe kada vakt aayega, agar aap haske us vakt ko, matlab, guzare hain, toh shayad kuch behtar aapka vakt guzar jata hai. Ji, aapka, mashallah, Urdu, aapke Urdus mein bahut impressed hoon. Ji, bilkul, shayad, matlab, is like the most common term that I'm hearing over here. Exactly. Exactly. That's oh, well done. Ji, haan, but chale, wo dawn news to Urdu chale gaye hai na, magar main abhi tak udhar phasa hua hoon English ke, us English ke corner mein main abhi tak phasa hua hoon. Achha, ye hui aapke kaam ke baat, ke baare mein. Ab, personally, आपकी हाल ही में शादी हुई है दो महीने हो गए हैं मुबारक हो आपको कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच आप क्या रोमांटिक हैं आप उनके पीछे गए ये कहानी बताएंगे ये लव स्टोरी क्योंकि हमने हमेशा आपको स्टेज पे देखा एज अ कॉमेडियन जी कभी आप मतलब फॉर सम रीजन नेवर सॉर्ट ऑफ इमेजिन के मतलब साथ अरुण शादी अच्छा इट जस्ट सीम लाइक एग्जैक्टली अच्छा मैं लोगों को डिसअपॉइंट करना नहीं चाहता मगर ऑनेस्टली जो कॉमेडियंस हैं मैं हूं और फिर अभी दानिश अली भी आएंगे अभी वे वेरी थैंक यू आपने पूरा सरप्राइज सरप्राइज खत्म कर दिया चलिए ठीक है हम थैंक यू अभी कांट टेक हिम एनीवेयर एग्जैक्टली स्पेशली टू द उर्दू चैनल Avi, I hate to disappoint everyone, but the thing is that off screen, we're very boring people. We're writers. We're sitting in an office. We're doing our stuff. I guess comedy is not like any of the other fields. We're not rock stars. We don't party all night. We work. We write a lot. We try and push to see how far we can go. And that's what we do. And so as far as our personal lives are concerned as well, there was no drama. There was no action. It's pretty much it's just kind of that, you know, you deal with your personal life as like another different entity from how you do it. Kya aap chahte the ki aap rock star bane? Sorry? Kya aap chahte the ki aap rock star bane? Rockstar हाँ मैं चाहता था इसलिए मेरे को लगा हाँ मैं गा नहीं सकता मैं गिटार नहीं बजा सकता चलो कॉमेडियन बन लो वो इसी बहाने कॉमेडियन बन जाए Tell me some incident मतलब कुछ तो बताएं मतलब अपने बीवी के बारे में मतलब कुछ तो some interesting something interesting must have happened how did you propose to her How did I propose to her in a very boring way I just proposed क्या मतलब just literally literally like she said yes to marrying a comedian so it was pretty much I wasn't going to ask questions after that you know I slightly packed up my things and I went home I got a yes I didn't see her until the wedding that's it I was लेकिन like लेकिन कोई इख्तलाफात नहीं आए उनके अम्मी अब्बू की तरफ से या मतलब कहीं से कि बेटा आप क्या करते हैं कॉमेडियन हैं जी मैंने सोचा था कि शायद होंगे but no her parents mashallah said they're very supportive people and okay. they know what I do and I think my parents so it was harder to convince my parents you really? Know because, yeah because when I started doing comedy it was always one of those things where it's like please beta textiles kar lo ye kar lo wo kar lo please and then slowly even in me maybe desi hu and even in my mind I thought that chalo ek din mein chhod ke I'll what the textiles ek din mein chhod ke business kar lunga main and I could not leave it you know I realized that there's enough businessmen and lawyers and doctors and things in this society and there's just not enough people making us laugh and we take serious pride in what we do and so you should and you've done a fantastic job on that note ab waqt aaya hai ki hum chhota sa break le aur phir hum apne agle mehmans se milenge aur main आप भूल चुके हैं कि साद हारून ने किसका नाम लिया था बहरहाल आप उनसे मुलाकात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद प्लीज स्टे विद अस यू आर वाचिंग नो रिजर्वेशंस